नमस्कार मित्रों, फ्रेश वेधर अपडेट में तमरु स्वागत है अने आप छो वेधर ऑफ गुजरात में। मित्रों, आवनारा दिवसों में वातावरण में एक मोटी अस्थिरता जोवा मळी शके छे, जेनी संपूर्ण बात आ वीडियो में करशू तो चेनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करी लेवी, जेथी तमने गुजरातना हवामाननी माहिती रेग्युलर रीते मळती रहे। मित्रों, क्या कारणोसर आवनारा दिवसों में गुजरात में मावठानो माहोल ऊभो थई शके तेनी वात करिए तो हाल अंडमान टापूनी नीचे एक साइक्लोनिक सर्क्युलेशन छवायू छे, जे आवनारा दिवसों में मजबूत थई अने लो प्रेशर में फेरवाशे। मित्रों, आ लो प्रेशर सीस्टमनो ट्रेक जोई तो आ सीस्टम शुरुआतना तबक्का में उत्तर पश्चिम पश्चिम में गति करी ने वधु मजबूत बनती जशे, जे तमिलनाडुना काठा उपर नजीक आव्या बाद आ सीस्टम डिप्रेशन अथवा तो तेना करता वधु मजबूत पण बनी सके। तमिलनाडुना काठा उपर आ सीस्टम 9मी तारीखनी आजूबाजू डीप डिप्रेशन अथवा तो तेना करता वधु मजबूत केटेगरीए टकराशे। मित्रों, राज्यना हवामाननी अस्थिरता ऊभी थशे तेनी वात करिए तो आ सीस्टम तमिलनाडुमां आव्या बाद नबड़ी पड़ी अने अरब सागरमां केरलनी आजूबाजू एंटर थशे, त्यारे आ सीस्टम सर्क्युलेशन अथवा तो लो प्रेशरनी केटेगरीए पण होई शके। जो आ सीस्टम अरब सागरमां पश्चिम दिशा तरफ सरके तो तेनी खास असर गुजरात उपर जोवा मळे नहीं, परंतु जो आ सीस्टम अरब सागरमां आव्या बाद उत्तर उत्तर पश्चिमनो जो ट्रेक अनुसरे तो तेनी सीधी असर महाराष्ट्र अने गुजरातमां थशे, केम के तेना भेजयुक्त पवनों खास करीने दक्षिण सौराष्ट्र अने दक्षिण गुजरात ने भरपूर मात्रा में असर करी सके। जो आ सीस्टम उत्तर उत्तर पश्चिम में गति करे तो खास करीने दक्षिण गुजरात अने दक्षिण सौराष्ट्र में 12मी डिसेम्बर थी 15मी डिसेम्बर ना दिवसों दरमियान एक मावठानो माहौल पण ऊभो करी सके। जो के अत्यारनी कंडीशन प्रमाणे आवनारू मावठू ए नरोवा कुंजरोवा पण गणी शकाय, केम के हजू आ बाबत फिक्स पण न गणी शकाय, केम के यूरोपियन मॉडल अने अमेरिकन मॉडल में हजू पण मोटो तफावत जोवा मळी रह्यो छे। गुजरात में केवो मावठानो माहोल ऊभो थशे ए अंगेनी माहिती अमे रेग्युलर अहीं आपता रहेशू, तो मित्रों अमारी चेनल साथे जोड़ायेला रहेजो। आभार।